देश में आम चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। इसमें हिस्सा लेकर जनता अपने मताधिकार से नई सरकार का चुनाव करती है। इस उत्सव को खास बनाने के लिए दिग्गजों ने जनता से वोटों की अपील की, लेकिन इस दौरान बीजेपी नेता सियासत करने से बाज नहीं आए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वोट अपील के बहाने भी जनता को साधते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग कराई जा रही है। जनता कतारों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। मतदाताओं के इसी जोश को और बढ़ाने के लिए दिग्गजों ने भी वोटों की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि आम चुनाव का एक और चरण आज शुरू हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिनके यहां आज वोटिंग है वे जरूर मतदान करेंगे। इसके अलावा पहले 3 फेज के मतदान का वोटिंग रिकॉर्ड भी टूटेगा। युवा मतदाताओं से विशेष अपील है कि वे पोलिंग बूथ पर जाएंगे और वोट करेंगे। वहीं पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्वीट कर लोगों से वोट डालने की अपील की, साथ ही अपनी सरकार की योजनाओं का बखान कर लोगों को साधने की कोशिश भी की। उन्होंने लिखा, आपके एक वोट से सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत की सोच को साकार करने का नेतृत्व मिलता है। हर गरीब को घर, हर घर में शौचालय, बिजली, गैस और पानी मिलता है। मैं अपील करता हूं कि करोड़ों देशवासियों के जीवन से अंधकार मिटाकर एक आयुष्मान भारत बनाने के लिए मतदान अवश्य करें। जहां एक तरफ दिग्गज राजनीति करते नजर आए तो वहीं सितारों ने भी इस उत्सव को खास बनाने के लिए जनता से बढ़ चढ़ कर इसका हिस्सा बनने की अपील की। पूर्व मिस वर्ल्ड प्रियंका ने भी मुंबई में अपने मताधिकार का प्रयोग कर ट्वीट किया, मौका है, बेहद अहम है, हर वोट एक आवाज है जो मायने रखती है। वही उर्मिला मातोंडकर समेत कई अन्य सितारों ने भी मतदान के लिए लोगों से पोलिंग बूथों पर पहुंचने की अपील की। आपको बता दें कि इस बार 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, जिसके नतीजे 23 मई को सबके सामने होंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।